ऐसा फील होता है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं पता नहीं कौन सी ऐसी दुनिया है जहां पर मैं अभी चल रही हूँ और जबरदस्ती इस चीज को मैं चला रही हूँ, अपनी लाइफ को चला रही हूँ, अपनी लाइफ को जबरदस्ती खींच रही हूँ। और जब आप एक कोई भी चीज है उसको जबरदस्ती खींचते हो ना, वो टूट जाती है। तो बिल्कुल सेम वही हालत है, और मैं जैसे कैसे जबरदस्ती ये को जैसे कोई गुजारता है ना अपनी लाइफ, वो गुजार रही हूँ। वरना मुझे नहीं, मुझे ऐसा फील होता है पता नहीं मैं कहाँ पर हूँ, कौन सी ऐसी मेरी दुनिया है, मेरे साथ मेरे 3 बच्चे हैं, ये है और मेरी फैमिली, उसको मुझे लेकर चलना है। बहुत ज़्यादा अपने दिमाग पे मतलब एक प्रेशर देकर मैं ये सोचती हूँ कि ये सब मेरे साथ और उनको इनको मुझे लेकर चलना है। वरना मुझे जिस हद तक पागल बनाया गया है, मैंने एक लाइन लिखी थी कि सोच समझ के ये जाल बिछाया गया है, मैं पागल नहीं थी, मुझे पागल बनाया गया है। तो बिल्कुल मुझे उस तरीके से पागल। अब बिल्कुल बिल्कुल उस तरीके से मतलब आप ये देखो कि कहने का मकसद ये है कि आप ये देखो कि फैमिली में से कोई बंदा नहीं है जिसने मुझे नहीं छोड़ा हो मेरे खिलाफ बात करने के लिए, और अभी तक मेरे चैनल से किसी के खिलाफ कोई बात नहीं गई। हालांकि मैं सब जानती हूँ और मैं बता भी सकती हूँ, और मेरी फैमिली से मेरे साथ क्या क्या कुछ नहीं हुआ, क्या क्या हुआ है, मतलब कितने धोखे हुए, क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ इस वजह से चुप हूँ कि मैं पूरी दुनिया को ये सबक नहीं देना चाहती कि जो दूसरे करते हैं आप भी सेम उनकी तरह वैसे बन जाओ। तो और मेरी शुरू से आदत है सब्र की और बर्दाश्त करने की, इनके पास नहीं है वो बर्दाश्त। और पता नहीं क्यों फिर सोशल मीडिया पर आते हो जब आपके पास बर्दाश्त नहीं है। तो मैं बस यही कहूंगी कि धोखा दिया है ना, कि रिश्तों के नाम से नफरत हो गई है। मैं किसी रिश्ते का नहीं बोल सकती कि ये रिश्ता अच्छा है, इस रिश्ते को अपने साथ लेकर चलो। मैं सिवाय अपने माँ बाप के रिश्ते के अलावा किसी रिश्ते का भी नहीं बोल सकती। मुझे रिश्तों के नाम से नफरत हो गई है कि रिश्ते ऐसे ऐसे होते हैं जो आपको एक पल भर में से चुटकियों में धोखा दे के चले जाते हैं, जो कि बाकी जमाना जो करता रहे लेकिन जब अपने धोखा देते हैं ना, तो वो दिल चीर जाते हैं और पागल कर दे हों। ऐसे ऐसे रिश्ते जो आपके आसपास हों और वही उठ के धोखा दें, वही उठ के आपके दुश्मनों के साथ मिलके आपको मजीद एक मतलब और खराब गंदा करें, वो चीज़ें बहुत तकलीफ देती हैं। तो रिश्तों में मैं सिर्फ बोलूंगी कि किसी के ऊपर भी ट्रस्ट ना करो, सिवाय एक माँ बाप का जो रिश्ता होता है ना, वो हमेशा रहता है। मेरी एक लाइफ जैसे एक बर्बाद हुई है, मुझे जैसे कि एक गिराया गया है, और बहुत सोच समझ के ये सारी प्लानिंग की गई है। तो खैर, बहुत बहुत ज़्यादा मैं इस बर्दाश्त के साथ अपने आप को लेकर चल रही हूँ, और पता नहीं कब कब ये एंड होगा। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि ना, मैं यहाँ पर मज़ीद और ज़्यादा टाइम नहीं रह सकती, लेकिन यहाँ पर मैं रह कर ना मज़ीद मुझे लगता है कि ना मैं और मज़ीद पागल होती जा रही हूँ। मैं बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करके एक आप सब के लिए एक कैमरा पर आ रही हूँ। बाकी एक जैसे परफेक्ट लाइफ होती है, एक सेटल लाइफ होती है, मैं अपने घर में बहुत कोशिश करती हूँ, मैं इस काम को लग जाती हूँ, वो काम कर लिया, ये काम कर लिया, ताकि मैं भूलने की कोशिश करूँ, लेकिन ये चीज़ें मज़ीद बढ़ती जा रही हैं, भूल जितना भी इनको मैं भुलाती। और हो सकता है मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊँ इन सब से, क्योंकि जब तक मैं यहाँ पर हूँ अभी तक मैं इन सब जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं, मैं सबकी नज़रों के सामने हूँ। तो मुझसे अगर फ़ायदा भी उठा जाते हैं और मेरे पीठ पीछे मेरे ऊपर वार भी कर रहे होते हैं, तो ऐसे ना बहुत दिल दो। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ से मतलब कहीं दूर चली जाऊँ, और वो मैं बहुत जल्द आप सबको बता भी दूंगी, मतलब मुझे यहाँ पर नहीं रहना। कहाँ जाऊँगी, किस जगह पर जाऊंगी, कोई पता नहीं है, लेकिन हो सकता है अगर मैं कुछ टाइम देखती हूँ, अगर मैं यहाँ पर मेरी हालत सही नहीं हो रही, क्योंकि मेरा यहाँ पर कभी भी कोई भरोसा नहीं, मैं यहाँ पर अकेली होती हूँ, और मैं कभी भी अपने साथ कुछ कर बैठूँ, ये बहुत बड़ा एक नुकसान होगा मेरी औलाद के लिए अगर मैं अपने साथ कुछ कर बैठती हूँ। तो उससे बेहतर है कि मैं किसी ऐसी जगह पर चली जाऊं जहां पर मुझे मेरे कुछ अपने मिलें, जहां पर मुझे अपनों का एहसास हो, जो मुझे एक जीने की उम्मीद दिलाएं। तो थैंक यू सो मच, आज का व्लॉग मैं इधर ही एंड करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और हमारी लाइफ पता नहीं कब तक है कब तक नहीं है, लेकिन जो भी हम कैप्चर कर रहे होते हैं या फिर जो भी मैं एक शूट करती हूँ डेली, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी हमारी मेमोरी है। और
इसको मैं जब तक हूँ बनाती रहूँगी। और थैंक यू सो मच आप सबका मेरा व्लॉग वॉच करने के लिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।